लाखों लोग रघुनाथ जी मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, हिस्ट्री जानकारी नहीं होती लोगों को, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना इस रघुनाथ जी मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दूं, एक एक भगवान के बारे में जानकारी दूं, सनातन धर्म के बारे में जानकारी दूं, कि लोगों को जानकारी हो कि सनातन धर्म में कौन कौन से भगवान ने क्या क्या क्रियाएँ की थी, क्या क्या स्वरूप लिए थे, क्या क्या जन्म लिए थे। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा शूट किया। वैसे वीडियो तो मैंने रघुनाथ जी मंदिर का पहले भी बहुत शूट किया है, पर इस बार मैंने पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ में शूट किया कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी आने वाली पीढ़ी है आज की, उसको सनातन धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो आते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं, तो उसमें मजा नहीं आता। क्योंकि पूरी मेरा ये मानना है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर षष्ठी के सभी दर्शन, सभी देवी देवता के दर्शन सिर्फ इसी में। भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नितिन पंजाबी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आया हूँ आचार्य कविता पारिक जी के साथ में ये वीडियो शूट करने रघुनाथ जी मंदिर का, जिनमें सनातन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आचार्य कविता पारिक जी हमारे को देंगे। इस मंदिर की क्या खासियत है, वैसे बताते हैं कि षष्ठी के सभी देवी देवताओं का रघुनाथ जी मंदिर में वास है, ये पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ में वीडियो शूट कराएंगे। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको अपने धर्म के बारे में जानकारी होगी। क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, पर आपको संपूर्ण जानकारी, एक एक भगवान के बारे में बताएंगे कि इस भगवान का अवतार क्यों लिया गया था और इस भगवान के अवतार से क्या क्या हुआ था सृष्टि में। जम्मू का रघुनाथ जी मंदिर जम्मू के मेन बाजार में स्थित है। इस मंदिर, एक मंदिर मात्र दर्शन से आपको सृष्टि के सभी देवी देवताओं के परिवार सहित दर्शन हो जाएंगे। मंदिर के अंदर सृष्टि के सभी देवी देवताओं का वास है और सभी के परिवार भी स्थित। मंदिर बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। रघुनाथ जी के मंदिर की मेन मूर्ति है जो सियावर रामचंद्र जी की, उसमें वीडियो शूट करना मना है। बाकी जितने भी देवी देवता हैं उनका वीडियो शूट कर लेते हैं, वहाँ पे कोई मना नहीं है वीडियो शूट करने का। चलते हैं बाकी का दिखा, कृष्ण जी के परिवार के दर्शन करेंगे। छोटे छोटे पिंडी के रूप में आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरे कृष्ण जी का परिवार है। इतने बड़े लेवल पर पिंडी है, आप देख सकते हैं इसमें पूरे कृष्ण जी के परिवार के दर्शन होते हैं। इस मंदिर, मतलब इस जगह के अंदर आप आएंगे जब आपको कृष्ण जी के पूरे परिवार के दर्शन। छोटे छोटे गोल गोल पिंडी देख रहे हैं, ये पूरे कृष्ण जी के परिवार के दर्शन है और ये पिंडी के रूप में आए गए हैं। दत्तात्रेय स्वामी जी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप इनके अंदर है। जिस किसी को भी सच्चे गुरु की तलाश हो और उसको नहीं मिलता हो, उस समय यदि इन दत्तात्रेय स्वामी जी की माला, एक माला यदि आप एक मिनट तक अगर आप जपते हैं तो आपको इनकी कृपा से एक सच्चा गुरु जरूर जरूर प्राप्त होगा। अगर किसी को गुरु नहीं मिलता और गुरु चाहता है तो? वैसे तो कहते हैं जो अपने कृष्ण भगवान है वो तो है ही जगत गुरु, लेकिन कोई सच्चा गुरु बनाना चाहता है, क्योंकि हम जब भी पूजा पाठ कर कुछ भी करते हैं ना, तो वो हमारे गुरु की शक्तियों के द्वारा उन तक पहुँचता है। तो इसीलिए गुरु की तलाश जिनको हो, उनको इनकी माला यदि एक महीना जपेंगे ना, तो सच्चा गुरु कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप। ये मत्स्य अवतार, समुद्र का मंथन हुआ था उस समय, ये जो कूर्म अवतार नीचे दिख रहे हैं आपको कछुए के स्वरूप में, ये भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया था। क्योंकि इतनी बड़ी घोटनी को जब वो घोट रहे थे ना, तो वो उसको समुद्र में कोई झेल नहीं पा रहा था, तो भगवान विष्णु ने कछुए का अपना अवतार लिया, ठोस पीठ के ऊपर उसको जो थी ना, जो उस पहाड़ की जो बड़े मछली उसको अपने ऊपर धारण करके उसके बाद में समुद्र मंथन किया गया था। ये विष्णु भगवान का कूर्म है। सुषेण वेद जी, ये बहुत बड़े वेद थे देवताओं के, अपने डॉक्टर होते हैं, नाड़ी वेद होते हैं, उस प्रकार जब उनका इलाज किया जाता था, सुषेण वेद जी का नाम बहुत प्रचलित था। कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी को भी जब नागपास से बांधा था, तब सुषेण वेद जी के द्वारा बताई गई वजह से उनका उपचार हुआ था। जो भगवान विष्णु का वारा होता है, जब पृथ्वी जो है वो पूरी की पूरी जब कीचड़ के अंदर जा रही थी, उस समय भगवान विष्णु ने ये वारा का अवतार लेकर के और पूरी की पूरी अंदर जा कर के एक पृथ्वी को अपने ये दो दांत के ऊपर से पूरी पृथ्वी को बाहर के बाहर लेके आए थे, तब से इनका ये अवतार है। अवतार यानी कि हमारा जो अभी कलयुग चल रहा है उसके अंदर आने वाला विष्णु भगवान का जो अंतिम अवतार रहेगा वो ये रहेगा कल के अवतार। कहा जाता है कि जब सृष्टि में प्रलय आएगा ना, उससे पहले ही इन्हीं का जो पाप इतना बढ़ जाएगा कि उस समय जब भगवान अवतार लेंगे तो वो कल के अवतार होगा जो कलयुग के अंदर कहलाएगा। इस समय के बाद में पृथ्वी, एक बार कहा जाता है कि जो ये पृथ्वी होगी वो 1800 साल पहले और 1800 साल बाद में, यानी कि सतयुग जब प्रारंभ होगा उससे कई साल पहले कई साल बाद में, तब वो सिर्फ और सिर्फ पानी रहेगा, अंधेरा रहेगा। उसके बाद में ही वापस से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का वापस से अवतार होगा। तो उसके अंदर ये आने वाले जो हमारे अवतार है वो कल के अवतार। जो आदमी जीवन में चार धाम यात्रा नहीं कर पाता है, नहीं जा पाता है, अगर वो जम्मू आकर के इस मंदिर के दर्शन कर लेता है, इस जगह के दर्शन कर लेता है, तो कहते हैं चार धाम यात्रा का लाभ उसको मिल जाता है। जामवंत जी के बारे में सब जानते हैं कि ये सेना में भी शामिल थे, और वैसे जामवंत जी की पुत्री के साथ में भगवान कान्हा ने शादी भी की थी। ये ऋषि मरीच जी हैं और शेषनाग जी। मरीच ऋषि वो थे
जब एक बार असुरों ने हमला किया था ना देवताओं पर, तो उनको स्वर्ग से निकलने के लिए तो उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी हथियार थे वो सारे जो शस्त्र होते हैं वो सारे ऋषि मरीच ने क्या किया, उनको निगल लिया ताकि उनको वो मिले ना। लेकिन वो निकल करके चले गए, लेकिन उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने इनका इंतजार किया कि उस राक्षस का अंत हो, उनको उनका स्वर्ग मिले। लेकिन उस राक्षस को ये मतलब वरदान दिया गया था कि किसी भी शस्त्र से नहीं मर सकता, लकड़ी के, लोहे के, किसी प्रकार के। तब वो जो शस्त्र ऋषि मरीच ने निकले थे, सब लोग इनके पास में आए थे कि भाई आप हमारे को भी अब वो अस्त्र वापस लौटाओ हमारे, ताकि हम इनको मार सकें। तब ऋषि मरीच ने अपने प्राणों की आहुति दी, खुद को जलाया और इनकी अस्थियों से जो अस्त्र तैयार हुआ था उसके द्वारा उस राक्षस का वध किया गया था। ये थे हमारे ऋषि मरीच। कहा जाता है कि ये हनुमान जी के पुत्र हैं। जिस समय हनुमान जी लंका दहन सरकार को, उनके शरीर में इतनी ऊर्जा, इतनी गर्मी थी कि जब वो लंका के ऊपर से जा रहे थे, जब पानी के ऊपर से, तो एक मछली ने उनकी पसीने की बूंद निगल ली थी, जिस मछली से इनका जन्म हुआ था। भोलेनाथ के परम भक्त थे ये। और जो आपने सुना होगा महामृत्युंजय मंत्र, ये महामृत्युंजय मंत्र जो है मार्कंडेय जी के द्वारा ध्रुव को दिया गया था। ध्रुव के माता पिता को बहुत मुश्किल से ध्रुव की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि उनके नसीब के अंदर बच्चा होने का संतान उनका नहीं था। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके और ध्रुव को मांगा था। भगवान भोलेनाथ उनके पास में दो ऑप्शन रखे थे कि भाई या तो हम आपको एक बहुत ही बड़ी आयु का देंगे लेकिन बहुत बीमार रहेगा, नाम भी नहीं करेगा, या फिर एक कम आयु का बच्चा देंगे जो आपको कम आयु के अंदर ही आपको बहुत अच्छा मतलब आपका नाम करके जाएगा ऐसा। तो उन्होंने बोला भले ही मतलब हमारा बच्चा कम आयु का हो लेकिन हमारे को ऐसा पुत्र दो जो नाम करे अपना। तब उन्होंने उनको 14 साल 7 साल की आयु भी उस बच्चे को दी थी। लेकिन जब उनको धीरे धीरे वो समय आ गया पास में ध्रुव के मरने का, जब समय आया तब उनके माता पिता ने उसको सच्चाई बता दी। उसके बाद में वो जंगलों में चला गया और भगवान भोलेनाथ की शरण में लग गया था। उस समय नारद ऋषि के कहने पर मार्कंडेय जी ने ध्रुव को वो मंत्र दिया था, ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षीय मामृता। ये मंत्र इन्हीं का दिया गया था ध्रुव को, जिसके बाद में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके उन्होंने अपनी आयु को। भक्त ध्रुव जी जिनके बारे में मैंने भी आपको 2 मिनट पहले बताया था, भक्त ध्रुव जी ने भोलेनाथ के भक्त हैं जिन्होंने उस मंत्र का जाप करके और अपने आप को अल्प आयु में मरने से बचाया था। ये है ऋषि कश्यप जी। आपने देखा होगा हमारे जो गोत्र होते हैं वो वशिष्ठ है या भारद्वाज है, ये हम सब ऋषि के संतान हैं, जिसमें से ये कश्यप ऋषि हैं। और कहा जाता है कि जितने भी ये हमारे पंजाबी अरोड़ा जो भी होते हैं, खास तौर से जो फिरोजपुर साइड के जो लोग होते हैं, जो पंजाबी हमारे भाई हैं, उनका गोत्र जो है वो कश्यप ऋषि के आधार पर है, इनकी संतान है, वो ऋषि कश्यप की संतान है। ऋषि वशिष्ठ जी जिन्होंने हमारे भगवान श्री राम को भी ज्ञान प्रदान किया। ये हमारे श्री जनक जी माता सीता की पिताश्री। ये है श्री कुबेर जी। वैसे तो ये जग जाहिर है कि धन के देवता हैं। वैसे राजा रावण जो है उनके सौतेले भाई भी थे और जो सोने की नगरी का जो निर्माण था वो इन्हीं की थी नगरी, जिनके ऊपर रावण ने जो है कब्जा कर लिया था अपने भाई के उस नगरी पे। वो स्वर्ण नगरी भी इन्होंने बनाई थी अपने लिए भी, और पुष्पक वाहन भी इन्हीं का था जो रावण ले गया था इनसे। धन के देवता कुबेर जी। यहाँ पे अलग अलग हॉल बने हुए हैं, हर भगवान के अलग अलग माया के हॉल बने हुए हैं। वैसे अगर वीडियो पूरा शूट किया जाए तो वीडियो 10 से 15 घंटे का बन जाएगा। मैं उसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। कई भगवानों के बारे में लोगों को जानकारी है, जैसे कुबेर जी है, जैसे रामचंद्र जी है, हनुमान जी है, उनकी वीडियो ना शूट करके मैं जो जानकारी लोगों को कम है उन भगवानों को ज्यादा शूट कर रहा हूँ। और सबकी नगरियां है भगवान की, देखिए आप पीछे ऐसे सब हॉल है जिसमें सृष्टि के सभी देवी देवताओं के ना मतलब के वास है पिंडी के रूप। ये शंख देव जी हैं, ये चक्र देव जी हैं। शंख और चक्र तो भगवान विष्णु के हाथ में होते हैं। पद्म देव जी हैं, गदा देव जी हैं। अगर मैं आपको एक एक चीज के बारे में ऐसे बताने लग जाऊंगी ना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो जो मेन पॉइंट जो है जिसके बारे में चाहती हूँ कि भी जानकारी सबको होनी चाहिए उसी के बारे में बता रही हूँ। नल जी और नील जी भगवान विष्णु के द्वारपाल भी होते थे ये। एक बार वो कोई वो जो छोटे होते हैं ना ऋषि, वो उनके पास में जब जा रहे थे, उन्होंने जाने नहीं दिया था, तो उन ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया था कि आप भगवान विष्णु से दूर हो जाओ। पर ये इनके इतने परम भक्त थे कि भगवान ने बोला कि या तो आप 7 जन्म तक पृथ्वी पर जाओ, 7 जन्म तक लो, उसके बाद मेरे पास वापस आओ, तब आप मेरे परम भक्त रहोगे, या फिर 3 जन्म आपको ऐसे लेने पड़ेंगे कि आप वो फिर 3 जन्म में आप मेरे परम शत्रु बनोगे और मैं ही आपका वध करूंगा, फिर आप वापस यहाँ पर स्थापित हो पाओगे नल और नील को।
तो उन्होंने बोला 7 जन्म बहुत बड़े होते हैं, हम आपसे इतना दूर नहीं रह सकते, हम 3 जन्म तक आपके शत्रु बन करके आपके द्वारा ही मोक्ष पा करके हम यहाँ पर वापस आने को तैयार है। तभी तो वो रावण का, हिरण्यकश्यप का, कुंभकर्ण का, ये जितने भी भगवान विष्णु के द्वारा जिनका संहार किया गया था वो इन्हीं के स्वरूप थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये धर्मराज गंधर्व जी है, ये यमदूत जी हैं, यमदूत जी के बारे में कौन नहीं जानता, ये हमारे धर्मराज यानी कि यमराज, ये हमारे चित्रगुप्त जी हैं जो हमारा किए लेखा जोखा रखते हैं, और ये साक्षी जी हैं गोपाल जी, इंद्र गंधर्व जी हैं, गजराज जी हैं, मांगता जी हैं, ये श्री दशरथ जी विराजमान हैं यहाँ पर अपनी 3 रानियों के साथ में, ये श्री बाली हैं, बाली के बारे में जानते हैं, श्री भीष्म पितामह, महाभारत सबने देखी है, ये कर्ण, ये स्वरूप जटायु जी का है। जब रावण ने सीता को हरण किया था, जब राम जी उनको ढूंढते हुए निकले थे तो जटायु ने भी उनको बचाने का प्रयत्न किया था, वो तो बहुत महाबली थे भगवान, वो तो महाबली थे रावण जी, तो उनसे एक पक्षी कितना लुभा ले सकता था, इसलिए उन्होंने माता सीता का पता बताया, माता सीता को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राण का त्याग दिए। दक्ष प्रजापति जी जितने भी भगवान थे वो सब इन्हीं के अधीन थे, सब इन्हीं की बात मानते थे, यानी कि इन्होंने जो बोला वही सब कुछ है। दक्ष प्रजापति की जो पुत्रियां थी जिनसे इन्होंने चंद्रमा से इन्होंने अपनी पुत्रियों की शादी की थी, और इनकी जो है 2 रानियां थी, दीति और अदिति। दीति से जितनी भी संतानें हैं वो सारी देवताओं के स्वरूप में आई थी, और अदिति से जितनी भी संतानें पैदा हुई थी वो सारी की सारी असुर। भगवान सूर्यनारायण का सारा परिवार है, जिसके अंदर हमारे जो 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये 12 के 12 जो स्वरूप है यहाँ पर, ये उसी भगवान सूर्य का हर एक मंथ का यानी कि हर एक मास का स्वरूप है। मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ना, ईश्वर नटराज, वैसे ही बगुलामुखी माता का मंदिर बोला जाता है कि बगुलामुखी का जो स्वरूप है, माँ दुर्गा का वो स्वरूप है जो तांत्रिक क्रियाएं के अंदर, ये तंत्र के द्वारा इसको प्रसन्न किया जाता है। बगुलामुखी का मेन तंत्र के द्वारा साधना करके ये किया जाता है कि यदि आपकी कोई खास चीज़ में दुश्मनी है या आपकी कोई दुश्मन है जिनको आप तंत्र क्रिया करके माँ बगुलामुखी को प्रसन्न करके आप उनका जो मुँह जो होता है या उसकी जो जीभ होती है उसको बंद कर दिया जाता है ताकि वो आपके खिलाफ या किसी प्रकार का षड्यंत्र ना कर सके, इसीलिए माता बगुलामुखी का जो है वो तंत्र क्रिया के अंदर जाता है। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग है, शिवलिंग जो है कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, आपने पत्थर का होता है जो नर्मदेश्वर पत्थर का होता है, एक होता है भारत का शिवलिंग होता है जो भारत नाम की होती है उसका होता है, और ये एक स्फटिक शिवलिंग होता है, ये बहुत ठंडा रहता है। यदि आपको चंद्रमा की अगर आपको दिक्कत ज्यादा हो रही है, चंद्रमा यदि आपको परेशान कर रहा है, तो स्फटिक की जो शिवलिंग होती है उस पर आप दूध या जल से अभिषेक करते हैं तो चंद्रमा शांत होता है। उसी प्रकार से ये चंद्रमा कमजोर हो तो क्या नुकसान होते? चंद्रमा तो मन का कारक है ना, माता का कारक है, सब कुछ मन से ही है, चंद्रमा मन से हो जाता है। जब यदि इंसान का मन ही कमजोर है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी रहेगी उसके अंदर, और चंद्रमा माता का कारक है तो माँ के सुख में भी कमी कर देगा। चंद्रमा मजबूत होगा तो आप कोई भी काम बिना किसी हिचक के कर सकते हो, तो आपको डिसीजन मेकिंग आपको पावर ही नहीं रहेगा चंद्रमा, इसीलिए कुंडली में सबसे पहले यदि चंद्रमा कमजोर हो सबसे पहले उसी को ठीक किया जाता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा ज्यादा फिट है तो स्तुति की शिवलिंग में यदि आप दूध चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, तो चंद्रमा शांत होता है। भगवान नटराज का स्वरूप है, वैसे ही उग्र स्वरूप होता है, घर में इनको नहीं रखा जाता क्योंकि इनका स्वरूप काफी उग्र माना जाता है। उधर माँ बगुलामुखी ने जैसे मैंने आपको बताया था, तंत्र क्रिया के अंदर भगवान बगुलामुखी का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पूरा विश्लेषण दिया था, जिसको आप दिखा सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक राक्षस के जुबान जो है वो पकड़ रखी है, ये तंत्र साधना के द्वारा। ओम नमः शिवाय। नाथ जी मंदिर जम्मू के अंदर मेन बाजार के अंदर स्थित है, यहाँ पे आप आसानी से आ सकते हैं, और इसके 1 किलोमीटर पास में ही रोड बस स्टैंड है, वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं, और 5 किलोमीटर में पड़ता है रेलवे स्टेशन, आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं, यहाँ पे अच्छे सस्ते रूम भी मिल जाएंगे होटलों में। अगर आप और सस्ता रुकना चाहते हैं, धर्मशाला में रुकना चाहते हैं, तो रघुनाथ जी मंदिर के बिल्कुल निकट इनकी ही खुद की धर्मशाला है, आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं, आप 150, 200, 250 में आराम से आसानी से रुक सकते हैं।